वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक के नतीजे आ गए हैं। बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद थी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को लगा कि ये पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्य इस विचार से सहमत हैं। मतलब ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि तेल विपणन कंपनियों को डीजल में मिलाने के लिए आपूर्ति की जाने वाली बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब देखना अहम होगा कि तेल कंपनियां क्या ग्राहकों को इस छूट का फायदा देती हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस वजह से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी दायरे में लाने की उम्मीदें की जा रही थी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में अन्य कई अहम फैसले लिए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि बच्चों की दो जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी नहीं लगेगा। जोलगेंसमा और विल्टेप्सो ऐसी ही दो महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं। साथ ही कोरोना की दवाई पर जीएसटी से छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। जीएसटी दरों में ये छूट सिर्फ दवाइयों में दी जाएगी। पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई तरह के दूसरे उपकरण भी शामिल थे। कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे क्रिटूरा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई है। काउंसिल की बैठक में लिए गए एक दूसरे फैसले में कहा गया है कि स्विगी और जोमेटो जैसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए अब ऑर्डर्स के हिसाब से कर वसूली होगी। अब रेस्टोरेंट की जगह सर्विस देने वाली कंपनी से टैक्स लिया जाएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।